सो गाइस, पता है जब बात आती है डेटिंग की, रिलेशनशिप्स की, लड़कियां पटाने की, तो मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल सही सही बता देता हूं भाई। मैंने आप लोगों से ज्यादा गलतियां की है, आप लोगों से ज्यादा मैं लड़कियों के लिए रोया हूं, और आप में से गारंटीड सबसे ज्यादा लड़कियों ने स्टार्टिंग में मुझे ही रिजेक्ट किया है, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा लड़कियों के ऊपर मुझे क्रश आता था। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी भाई साहब जो मुझे क्रीप बोल दिया करती थी, स्टॉकर बोल देती थी। लेकिन हाँ, मेरे सच्चे प्यार की वजह से भाई बहुत सारी लड़कियों ने मुझे क्लिंगी बोला है, इमेच्योर बोला है, भाई ये क्रिब बहुत करता है, ये वाइन्स अलॉट, यानी बहुत रोंदू है भाई, जिद करता रहता है, भैंचोद ये तो बच्चा है। और आप लोगों को पता है ये सारी चीजें मुझे भैंचोद सच्चे नाम के प्यार पे मिली है। हर चीज, जितना भी इन लड़कियों के पीछे भागा हूं ब्लॉक होने के बाद नई आईडियों से नंबर बना के, जो चीज किया इन लड़कियों के लिए ही करता था। ये लड़कियां ब्लॉक कर देती थी तो नई आईडी बना के उन्हें नई आईडी से मैसेज कर देता था। और सही बता रहा हूँ, एक एक लड़की से शादी करना चाहता था मैं। लड़कियों को यूज करने की बात तो भाई साहब एक तरफ, लड़की को गलत तरह से हाथ लगाने का ख्याल तक हमारे दिमाग में नहीं आता था। बस ऐसा लगता था कि समय के साथ अपने प्यार को प्रूफ करते रहेंगे और एक ना एक दिन ये लड़की मान जाएगी। क्योंकि भाई हमने तो यही सोचा था ना कि जितना प्यार लड़की को दिखाएंगे, लड़की भी एक टाइम के बाद हमें उतना ही प्यार दिखाने लगेगी, क्योंकि उसे आदत हो जाएगी इतना प्यार देखने की। और एक बार समय के साथ उसके पीछे पड़ पड़ के जब हमारा प्यार उसके सामने साबित हो जाएगा, तो हमारे साथ सिक्योर फील करने के लिए कर लेगी कि नहीं शादी। और भाई हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मतलब भाई जितनी भी लड़कियों पे ट्राई किया, उनमें से 50% लड़कियों ने तो मुझे ढंग से एंटरटेन तक नहीं किया। 30% लड़कियां थोड़ा बहुत भाव दे के फ्रेंड जोन में डाल देती थी, और बची हुई 20% लड़कियां जिनको भी भाई साहब बॉलीवुड से बहुत प्यार था, वो हमारा प्यार देख के हमारी गर्लफ्रेंड बन तो जाती थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उन लड़कियों का इंटरेस्ट कम होता चला जाता। बोलती नहीं थी ब्रेकअप कर लेंगी, लेकिन अपने आप धीरे धीरे ना अवॉइड करना शुरू कर देती थी। हर बार तुम्हारे भाई को हमें ऐसा महसूस होता था कि हर बार हमारी इम्पोर्टेंस कम ही होती चली जाती है। मतलब भाई इतने एफर्ट्स लेने के बाद भी जब कोई लड़की हमारा दिल तोड़ देती थी ना भाई, तो हमें अंदर से आवाज आती थी कि क्या इन लड़कियों के अंदर दिल नहीं होता, क्या इन्हें मेरे प्यार से कोई मतलब नहीं। मैं जो भाई इतना बढ़िया लौंडा, इतना नाइस गाय, इतना स्वीट, इतना पोलाइट, जो बस टेडी बेयर की तरह सिर्फ प्यार लेता और देता रहता था, क्या उसका दिल तोड़ते वक्त इन लड़कियों को बुरा नहीं लगा? आखिर अगर इन लड़कियों को प्यार नहीं चाहिए तो आखिर चाहिए क्या? और आपको पता है, मुझे मेरे इसी सवाल में मेरा जवाब मिल गया कि हाँ मेरे दोस्त, एक्चुअली लड़कियों को वीक और नाइस गाइज के लिए जीरो सिंपैथी होती है। लेकिन भाई साहब मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया भाई। लड़की ने रिजेक्ट किया या लड़की ने दिल तोड़ दिया, उसके बाद लड़की के लिए रोए हैं, फिर नई लड़की ढूंढी है ताकि दूसरी लड़की से प्यार हो जाए, ताकि पहली वाली से मूव ऑन कर सके, फिर इस पे ट्राई किया भाई साहब, ये चक्कर हमने बहुत साल तक घिसा है। और घिसते 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 कठोर बनते 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 मुझे एक चीज समझ में आ गई, एक सबसे बड़ा कड़वा काला सच, कि मेरे दोस्त लड़कियों को उन्हीं लड़कों से प्यार होता है, उन्हीं लड़कों के लिए पागल होती हैं, जो लड़के उन लड़कियों को इमोशनली वीक बना सके। सुनने में भाई साहब ऐसा लगता है, अरे पैंट क्या बोल रहा है, ये तो इतना गंदा मैनिपुलेशन है, लेकिन मेरे दोस्त एक्चुअल ट्रुथ यही है। तो भाई बेसिकली होता क्या है ना, जब आप लड़की को अपने एक्शन से ऐसा दिखा देते हो या अपने मुंह से ऐसा बोल देते हो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, या मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, या तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, यानी उस लड़की से अटेंशन मांगना, केयर मांगना, अफेक्शन मांगना, और लड़की को ये दिखाना कि तुम उसे जितना वो तुमसे प्यार करती है उससे ज्यादा प्यार करते हो, ये चीज मेरे दोस्त तुम्हारी इमोशनल वीकनेस दिखाती है, जिसकी वजह से लड़कियों ने दबा के मेरे दिल तोड़े हैं। क्योंकि जब आप लड़कियों को ऐसी चीजें दिखाते हो ना, तो लड़कियों को आपके अंदर की इमोशनल वीकनेस दिखती है, और ये चीजें आप तो एक्चुअली शायद दिल से कर रहे होगे, लेकिन लड़की के मन में एक ऐसी इमेज क्रिएट करता है कि आप ये चीज लोनलीनेस के डर से, या आप किसी और लड़की को नहीं जानते इसीलिए आप उसके प्यार में इतने डूबे हुए हो। और अगर आप ये सब चीजें दिखाते दिखाते भी लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाओगे ना, तो आज नहीं तो कल लड़की आपसे ब्रेकअप कर ही लेगी, या आज नहीं तो कल आप जो पटाने की प्रोसेस में हो ना, वो पूरा प्रोसेस अचानक से फेल हो जाएगा, लड़की आपसे छुटकारा मांगेगी और आपको इग्नोर कर देगी। क्योंकि मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, जो मुझे बहुत देर से समझ
में आई थी और मैं चाहता हूँ आप बहुत जल्दी सीख जाओ या अभी भी सीख जाओगे तो भी कोई बुराई नहीं है। और वो ये चीज है कि लड़कियों को भाई साहब स्ट्रेंथ से प्यार होता है, ताकत से प्यार होता है। वो वाली ताकत नहीं कि तुम 100 किलो की बेंच प्रेस लगा रहे हो, उन्हें आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ से प्यार होता है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको लड़कियों को अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखानी है, इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अनजान लड़कियों को अप्रोच करो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे भाइयों ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई साहब हमें ऐसा कौन सा परफ्यूम यूज करना चाहिए कि लड़कियां भी हमसे बात करते वक्त एक ट्रांस में चली जाए, खो जाए हमारी बातों में, जैसे हम लड़कियों की खूबसूरती में खो जाते हैं। क्योंकि दोस्त लड़कियों के जो ओल्फैक्टरी सेंसेस होते हैं ना, वो लड़कों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब लड़कियों को लड़कों की वो जो मैनली स्मेल होती है ना, दे लव इट। और इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ न्यूड के अमेजिंग मैस्कुलिन परफ्यूम्स। ये आपको दो फ्रेग्रेंस में मिलते हैं, मैनहट्टन हिल्स और मिलान डाविंची। और इन दोनों परफ्यूम्स की जो सबसे बड़ी खास बात है वो पता है क्या है? ये परफ्यूम्स मार्केट के सभी परफ्यूम से बिल्कुल डिफरेंट स्मेल करते हैं, आपको और ज्यादा कैरिज्मेटिक बनाते हैं। और ये परफ्यूम की फ्रेग्रेंस हर बंदे पे अलग आती है, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस, ये परफ्यूम जब आप अपने ऊपर स्प्रे करते हैं और ये परफ्यूम आपकी बॉडी की फ्रेग्रेंस के साथ मिलके एक अलग ही फ्रेग्रेंस क्रिएट करती है। और ये परफ्यूम ईयूडी कैटेगरी के हैं, जो इन्हें बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये परफ्यूम्स अभी जस्ट लॉन्च हुए हैं ऑन अ वेरी बजटेड प्राइस ऑफ 500 ईच। मैं सोच रहा था कि आपको दोनों में से कोई एक रिकमेंड करूंगा, बट बिलीव मी माई डियर फ्रेंड, दोनों इतने ऑन पॉइंट हैं कि इनको मिस करना, कि किसी एक को बेटर बोलना एक के लिए नाइंसाफी होगी। तो इन परफ्यूम का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उस लिंक से आप इस परफ्यूम को परचेज कर सकते हैं, ताकि आप लड़कियों को और ज्यादा करिज्मेटिक लग सकें, ना ही सिर्फ अनजान लड़कियों से बात करते वक्त बल्कि अलग अलग डेट पे अलग अलग फ्रेग्रेंस कैरी कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वो इमोशनल स्ट्रेंथ मेरे प्यारे दोस्त, जो आपको अगर लड़की कुछ गलत करती है तो लड़की से दूर जाने में मदद करती है, या अगर वो कोई गलती करती है तो आप उसको चार बातें सुना सकें, ऐसी चीजें बोल सकें जिससे भाई साहब लड़की थोड़ा बहुत ऑफेंड हो जाए, या बेसिकली आप उस लड़की को उसकी पोजीशन दिखा सको, या मतलब अगर लड़की आपके कंधे पे चढ़ रही है या बहुत ज्यादा उड़ रही है तो आप उसे वापस बोल सको कि बिटिया ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। क्योंकि भाई देखो, जब मैं एक कमजोर आदमी की तरह प्यार की तलाश में परिंदे की तरह भटक रहा था ना, तब मेरे पास लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई साधन नहीं था। क्योंकि आपको पता है, लड़कियां ऐसे लड़के नहीं ढूंढती हैं जो उनके प्यार में पागल हो या हैव कंप्लीटली फॉलन इन लव वाली सिचुएशन में हो। लड़कियां चाहती हैं कि वो लड़के के प्यार में पागल हो जाएं और ये लड़के उनसे प्यार करें। मैं बार बार ये स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ कि गर्ल्स डोंट वॉन्ट मैन हु फेल इन लव विद देम, बट दे वॉन्ट अ मैन हु कैन लव देम। दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि भाई जो आदमी लड़की के प्यार में बिल्कुल चूतिया हो, उस आदमी के साथ रहने में लड़की को अंदर से कभी भी सेफ फील नहीं होता है। क्योंकि जब कोई आदमी लड़की के प्यार में पागल होता है ना, तो उस लड़की को समझ में आ जाता है कि इस टुच्चे की जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है, इसीलिए तो वो अपने काम धंधे और मिशन और गोल को छोड़ के मुझसे प्यार कर रहा है। और प्यार के मारे जब तुम लड़की को जरूरत से ज्यादा अपना समय देने लगते हो, अटेंशन देने लगते हो, तो ये चीज लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में उसे ऑटोमेटिकली सिग्नल दे देती है कि तुम भाई साहब एक लो वैल्यू मैन हो। क्योंकि अगर तुम एक हायर वैल्यू मैन होते तो तुम भाई साहब यहाँ उसके साथ वेल्लागिरी थोड़ी ना कर रहे होते, तुम कहीं और होते। कुछ मैस्कुलिन जो चीजें तुम्हें फोकस्ड रखती हैं, तभी तो लड़की तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी, जिसकी वजह से लड़की को ना ही अपने प्रेजेंट में सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है, बल्कि उसका फ्यूचर भी तुम्हारे साथ सिक्योर है ये फील होता है। और इसीलिए जब मैं लड़कियों के पीछे दुम हिला हिला के भाग रहा था, तब हर बार मेरी ऐसी की तैसी हो रही थी दोस्त, क्योंकि मेरा लड़की से प्यार करना, मेरा लड़की के पीछे पड़ना, केवल उसके दिमाग में ये चीज डाल रहा था कि ये तो वैंचो चूतिया है। क्योंकि एक लड़की एक औरत के पर्सपेक्टिव से ऐसा आदमी उसकी भी जिंदगी को मीनिंगलेस बना देगा। क्योंकि भाई आपको पता है, लड़कियों को ना अंदर से ही उनके अंदर एक ऐसा सिस्टम फिट होता है जहां पे वो लड़कों को ऑटोमेटिकली इन बेसिस के ऊपर ना इवैल्यूएट कर लेती हैं। जैसे नहीं हम लड़के भाई खूबसूरत है, चलो चलो इसी को पटाया जाए, लड़कियां ऐसे ही आपके अंदर की स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ देख के आपके पीछे पड़ती हैं, और जब मेरे दोस्त आप उनके प्यार में मजनू होते हैं तो वो चीज उनको आपकी कमजोरी दिखाती है, जिस वजह से शायद वो लड़की आपको एक मौका देना भी चाहती होगी लेकिन ऑटोमेटिकली आपके लिए उस लड़की के मन में अट्रैक्शन पूरा खत्म हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, मेरे पास तो उस समय पैसे भी नहीं हुआ करते थे ना कि लड़की चलो अय्याशी के लिए मेरे साथ घूम रही है। और आजकल तो भाई साहब वैसे भी लड़कों और लड़कियों के बीच का फासला बहुत खत्म हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। बस एक डिफरेंस बचा है, वो है आपका 5-5.5-6 इंच का औजार, बाकी कोई खास डिफरेंस बचा नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अंदर ये मैनली बिहेवियर थोड़ा सा डेवलप करें, ताकि लड़कियों के माइंड में आपका ये मैनली बिहेवियर देख के आपसे थोड़ा अंदर से उनके डिजायर आएगी ना फिर आपके साथ रहने की। और देखो भाई, ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरी लड़कियों से कोई हेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तुम लोग अपने मन से बना लेते हो लड़कियों। जानबूझ के तुम्हारे सामने ना लड़के ऐसे डायलॉग रख देते हैं कि सार्थक देखो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है इसीलिए तुम लोगों को लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, लड़कियों को पूरे समाज ने बोल दिया है कि भाई साहब तुम स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और हार्ड बन जाओ, और वहीं पे भाई साहब ये समाज लॉन्डो को समझा रहा है कि थोड़े सॉफ्ट बनो, सॉफ्ट बनो। सॉफ्ट बना बना के भाई साहब लड़कियों को हार्ड बनाने के चक्कर में, लड़कों को सॉफ्ट बनाने के चक्कर में कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया, जिस वजह से अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो लौंडे कम से कम मुझे देखते हैं वो लोग अपना बार थोड़ा सा लड़कियों के ऊपर ही रखे, ताकि लड़कियां उन्हें अंदर से डिजायर कर सके, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। और ये डिफरेंस मैं सही बता रहा हूँ, काम धंधे से नहीं, पैसे कमाने से नहीं होने वाला है, मतलब लड़कियां खुद कमा लेती हैं पैसे आजकल। ये जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो आपके बिहेवियर से होगा। और अगर मेरे दोस्त तुम ऐसा सोचते हो, यार पहले तो ऐसा नहीं होता था, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को तो ऐसे पटाया नहीं था, मुझे पता है हेटर ऐसी भाषा यूज करते हैं, तो मैं तुम्हें एक बता देता हूँ दोस्त। देखो पहले के जमाने के डायनेमिक्स बहुत अलग हुआ करते थे, जहाँ पे लॉन्डो के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लड़कों को दी जाती थी कि जाओ बाहर जाके पैसे कमाओ, और लड़कियों को बोला जाता था कि तुम घर पे रहो, जिस वजह से लड़कों को ना थोड़ा सुपीरियर फील हुआ करता था और लड़कियां उनसे अट्रैक्टेड भी रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना, अब तो तुम्हारा बिहेवियर ही बचा है भाई। सही बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कभी कभार मुझे लगने लगता है कि भाई साहब समाज का असली दुश्मन तो मैं हूँ। मतलब मुझे कभी कभार बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है कि यार ऐसी चीज़ें मुझे बोलनी पड़ती है, लेकिन आई हेट टू से ऑल दीज थिंग्स, बट भाई अब मुझे, मैं साधन हूँ इस इन्फॉर्मेशन का, तो मैं क्या करूँ ना। और एक तो आजकल भाई साहब ये जो शुगर कोटेड वर्ल्ड है, यहाँ पे ना भाई साहब हल्की सी सच्चाई बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। मीठे और कड़वे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन कड़वा मीठे की वजह से कड़वा हो जाता है। सही बोला मैंने? तो भाई जिन लड़कियों को लगता है मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ ये सब, बिकॉज वुमेन आर सफरिंग द मोस्ट, इसीलिए मेरी ड्यूटी है लड़कियों की मदद करने के लिए लड़कों के थ्रू, समझे? तो लड़कियों मैं ये आपके लिए ही कर रहा हूँ, ताकि बहन मैं तुम्हारे लिए ऐसे लौंडे बना सकूं तुम जिनके प्यार में बिल्कुल पागल हो सको, जो लड़के तुम्हारी हर परीक्षा को पास करें। क्योंकि मेरे भाई मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, लड़कियां सबकॉन्शियसली तुम्हारे साथ ऐसी गेम्स खेलती हैं, तुम्हारे ऐसे टेस्ट लेती हैं टाइम टू टाइम, ये चेक करने के लिए कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। क्योंकि तुम्हें टेस्ट करने से लड़की को अपनी सेफ्टी की रिलैक्सेशन मिलती है, और वो तुम्हारे ऊपर अपनी फेमिनिन एनर्जी को लेके रिलाय कर सके, तुम पे भरोसा कर सके। क्योंकि जब तक तुम लड़की की फेमिनिन एनर्जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं दिलवाओगे, तब तक लड़की तुम्हारे साथ कभी कमिट नहीं होने वाली, और ना ही तुम्हारे साथ कभी सेक्स करेगी। लेकिन तुम मेरे भाई एक चीज जानते हो, आज तक तुम 90% जिन भी लड़कियों से मिले हो जो तुम्हारी उम्र की थी ऑब्वियसली या आसपास की, हर एक लड़की तुमसे फर्स्ट मीटिंग में अट्रैक्टेड थी, कैसा लगा सुन के? लेकिन फिर उस लड़की ने तुम्हें अपनी बातों से परखा, तुम्हारा एटीट्यूड देखा, तुम्हारा बिहेवियर देखा, तुम्हारे मैस्कुलिन चार्म को टेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये बोल के कि बिल्लियां कुत्तों से अच्छी होती हैं, और तुमने उस लड़की को खुश करने के लिए क्या बोला? हाँ यार बिल्लियां तो बहुत बढ़िया होती हैं। और तुम उस लड़की के टेस्ट में 0 नंबर से फेल हो गए, क्योंकि लड़की केवल तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ ये देख के चेक करना चाहती थी कि क्या वो लड़की तुम्हें पसंद कर लेगी अगर तुम थोड़ा सा उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे और ऐसी चीजें बोलोगे, और तुमने अगर उसकी हाँ में हाँ मिला दी, तुम्हारा पत्ता कट। बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो होती है जब लड़कियां तुम्हें फ्रेंड जोन में डालने जा रही होती है। इसीलिए गौर से सुनना कि जब तुम लड़की की हाँ में हाँ मिला देते हो, तो तुम्हें पता है लड़की के दिमाग में क्या चलता है? ओ ये तो चूतिया है,
इसने तो मुझे खुद से ऊपर रख दिया, इसका तो खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है। ये लड़का ना शायद मेरी खूबसूरती से प्रभावित है, या शायद इस लड़के के पास एक भी लड़की नहीं है, इसीलिए ये मुझे ना नहीं बोल रहा है और मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है, क्योंकि इसे डर लगता है कि कहीं ये मुझे नाराज ना कर दे और मैं इससे बात करनी ना बंद कर दूं। यार फिर तो ये लड़का मुझे भी लीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मान लो अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो ये लड़का तो मुझे बताएगा भी नहीं कि मैं ये चीज गलत कर रही हूँ, वो भी बस इस डर से कि कहीं मैं इसे छोड़ के ना चली जाऊं। ये लौंडा तो चूतिया खतरा है मेरे लिए, मतलब अगर ये कुछ सही भी करना चाहता हो जो एक्चुअली मेरे लिए सही है और शायद मुझे उसका अंदाजा ना हो और मैं इसे मना कर दूं, तो ये लड़का तो हमारे लिए वो सही डिसीजन भी नहीं लेगा बस इस डर से कि कहीं मैं इससे दूर ना हो जाऊं। ये साला तो इमोशनली वीक है, और अगर ये मेरे सामने कमजोर पड़ जाता है तो दूसरे लड़कों के सामने तो ये डबल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मैं तो फिर भी लड़की हूँ। इसकी ये हालत रही तो कोई भी आदमी इसे कच्चा चबा जाएगा और मेरी सेफ्टी तो गई भाड़ में। शायद मैं इससे अच्छा लड़का पटा सकती हूँ। चलो 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 हटो हटो, मैं सही बता रहा हूँ, शायद लड़की ये चीज सोचे भी ना, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज ऑटोमेटिकली आपको लेके आपकी ये इमेज बनती है और लड़की के माइंड में आपके लिए अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। और सिर्फ यही टेस्ट नहीं होते कि कुत्ता अच्छा है या बिल्ली, छोटे छोटे तमाम टेस्ट आपकी जिंदगी में लड़की कभी भी आपके सामने ला के पटक देगी। इसीलिए मैं आपको एक एक सिनेरियो, सिचुएशन और माइंड सेट तैयार करा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो लौंडे फ्रेंड जोन में है वो भी बाहर आ जाएंगे ये चीजें सुन के, क्योंकि मेरे दोस्त जब तक आपका बिहेवियर ऐसा रहेगा ना तो लड़की कभी भी अपनी सेंसिटिव फेमिनिन एनर्जी को लेके आपके ऊपर रिलाय नहीं करने वाली। शायद कुछ टाइम के लिए आपको मौका भी दे दे कि चल मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, या आपको थोड़ा बहुत भाव भी दे दे, क्योंकि शायद हो सकता है उस लड़की की जिंदगी में अभी और अच्छे लड़के ना हो, इसीलिए उसको अटेंशन और वैलिडेशन के लिए आपसे काम चलाना पड़ जाए। लेकिन मुझे बहुत ही दुख है आपको ये बताते हुए कि आपके इस बिहेवियर की वजह से लड़की ना ही आपसे कभी अट्रैक्ट हो पाएगी और ना ही उसकी बॉडी उसको कभी ऐसा सिग्नल देगी कि वो आपके साथ कुछ करना चाहती है, क्योंकि उसको इस समय अपने लिए तो क्या आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फादर की जीरो क्वालिटीज दिख रही है। क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, जो आदमी प्यार में होता है ना, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा फेमिनिन और इमोशनल हो जाता है, बहुत गर्ली बिहेव करने लगता है और उस लड़की के लिए वो बस एक और लड़की बन जाती है और जीरो अट्रैक्शन ट्रिगर होता है। क्योंकि भाई देखो, लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती है और उन्हें इस चीज का पूरा अंदाजा होता है कि जो आदमी उनके इश्क में बिल्कुल तबाह है उस आदमी के माइंड में जीरो रैशनैलिटी, शून्य मैच्योरिटी और लॉजिक तो है ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर उस आदमी जिसके पास पर्पस नहीं होता है वो आदमी सेक्स पाने के लिए लड़की के साथ प्यार में गिर जाता है ताकि वो लड़की को भरोसा दिला सके कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, बस वो लड़की उसके साथ सो जाए। और लड़की को ये भी पता होता है कि कोई भी आदमी उसके साथ आने के लिए ये सभी हरकतें कर सकता है, इसीलिए लड़कियों के माइंड में इमोशनली वीक और प्यार में पागल चूतियों के लिए जीरो सिंपैथी होती है। दबा के कूटती है लड़कियां इन लौंडों को, जम के टेस्ट करती हैं, खूब गेमें खेलती हैं। भाई साहब लड़की क्या बताऊं सब हो रखा है भाई। और आपके अंदर लॉजिक रैशनैलिटी बची है या नहीं इसको लड़की कभी भी टेस्ट कर सकती है। मैं सही बता रहा हूँ, लड़की आपके प्यार में कितना भी पागल हो, कितना भी लंबा आपका रिलेशनशिप हो, लड़की आपकी मैस्कुलिनिटी को टेस्ट करेगी ही। और सेफ्टी के अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है भाई, जिस वजह से लड़की तुम्हें ओवर पावर करने की कोशिश करेगी, और वो वजह बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो होता गया है, जब तुम लड़की के साथ फिजिकल होते हो तो लड़की के माइंड में ना कहीं ये डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये झाटू आदमी मुझे छोड़ ना दे। इस डर से लड़की आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, आपको इग्नोर करके, सेक्स को अपनी इच्छा से कंट्रोल करके, ताकि आप मेरे दोस्त उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो। भले ही आपने उस लड़की के साथ आज तक सेक्स ना किया हो, लेकिन फिर भी वो लड़की आपको अपने सामने झुकाने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि फ्यूचर में जब आप रिलेशनशिप में आओ तो सब कुछ उसके हिसाब से चले। लेकिन यहीं पे मेरे दोस्त वो स्टेटमेंट का जन्म हो जाता है कि बहुत सारी लड़कियां बोलती कुछ और है, चाहती कुछ और है, करती कुछ और है, और हो कुछ और जाता है। कि लड़की आपको इग्नोर करके आपको अपने सामने झुकाने की कोशिश करेगी,
आपको फोर्स करेगी कि आप उसके पीछे पड़ो, और आपका भी लॉजिकल माइंड यही बोलेगा कि नहीं भाई पीछे पड़ जाना चाहिए ताकि लड़की को लगे कि प्यार व्यार करते हैं। लेकिन जो लड़का लड़की को चेज करने लगता है, उस लड़के की वैल्यू, उस लड़के की इंपॉर्टेंस उस लड़की की नजरों में सीधा जीरो हो जाती है। जब आप लड़की के पीछे पड़ जाते हो या जब लड़की को पता चल जाता है आप उससे प्यार करते हो फिर भी आपको रुका के रखती हो और आप रुक के रहते हो, तब मेरे दोस्त जब लड़की को पता होता है कि उस लड़की के पास आपका पूरा वैलिडेशन है, पूरा अप्रूवल है, फिर मेरे दोस्त लड़की के माइंड में आपके लिए अट्रैक्शन खत्म, क्योंकि अब आप उस लड़की के पीछे हो, अब आप उस लड़की से नीचे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि वो लड़की आपको अप्रूव करे। पूरी पावर किसके पास है? लड़की के हाथ में। लेकिन लड़की को क्या चाहिए था? इमोशनली ताकतवर और पावरफुल आदमी। और जब आप लड़की के पीछे घूमते हो तो लड़की को समझ में आ जाता है कि इस चूतिए की पूरी जिंदगी का एक्चुअल मकसद मैं हूँ। लड़कियों का दिमाग वापस वही कहानी दोहराता है कि यार इस लड़के को तो मैं डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, इस लड़के के लिए तो इसका गोल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो इसके लिए सबसे ऊपर आ गई, इसका मतलब तो इस आदमी में खुद में कोई वैल्यू नहीं बची, अब तो अगर मैं इस चूतिए को हाँ भी बोल दूंगी तो भी इस रिलेशनशिप को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ जाएगी, जो चीज मुझे बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगती। मतलब यहाँ पे मैं अपनी जिंदगी ठीक से नहीं चला पा रही हूँ, इसको बच्चे को कहाँ से पालूंगी। इसीलिए मैं आपको पिछली 100 वीडियोस से बोल रहा हूँ कि लड़कियों के पीछे नहीं पड़ना, लड़कियों को प्रपोज नहीं करना। और मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कोई लिख के जाएगा कि ऐसे ऐसे करती है लड़की, भाई कैसे प्रपोज करूं, भाई बहुत प्यार आता है मुझे तुम लोगों के ऊपर। और बिल्कुल इसी की तरह सबसे बड़ा रीजन जिस वजह से लड़कियां आपसे नहीं पट रही हैं भाई और आप सिंगल ही रहते चले जा रहे हो, वो ये है कि जब लड़की आपको भाव वाव दे देती है मेरे दोस्त, तब आप लड़की के सामने बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो। हाइपर सेंसिटिव मतलब लड़की कुछ भी कर रही है उसका असर आपके ऊपर पड़ रहा है। लड़की के एक्शंस आपका मूड कंट्रोल कर सकते हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, लड़की आपको एक्साइटेड फील करा सकती है, आपको 2 सेकंड में उदास कर सकती है, और आप उसकी रियलिटी में आने के लिए, आप उसे जैसे कि तैसे एक्सेप्ट करने के लिए अपनी रियलिटी को छोड़ के उसके हिसाब से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त हाइपर सेंसिटिविटी, जहां पे आपको और लड़की का क्या होने वाला है ये चीज लड़की के हाथ में होती है, जिससे फिर मेरे दोस्त लड़की को समझ में आ जाता है कि आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लड़की आपके इमोशंस कंट्रोल कर रही है भाई, इससे बुरा क्या ही हो सकता है ना। और जब ये सब चीजें होती है ना तो लड़की को भाई कहीं ना कहीं, एक अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत सारी लड़कियों को ना भाई ये समझ आ जाता है कि चूतिए को आज तक किसी लड़की ने ढंग से भाव भी नहीं दिया, आपको 0 एक्सपीरियंस है लड़की के साथ, इस वजह से ना ही आप लड़की को रियल वर्ल्ड में कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही बेड पे। मतलब ये तो लड़कियों के लिए सबकॉन्शियसली बता रहा हूँ, मतलब लड़कियां ये सोचती नहीं है अंदर से, लड़कियों के लिए इससे बड़ा टर्न ऑफ कुछ हो ही नहीं सकता, जो कि भाई जो चीज असल में लड़की को चाहिए ना बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल उसके उल्टा है भाई। लड़कियां ये चीज कभी नहीं बोलने वाली है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ना अंदर से, बिल्कुल अंदर से ना, एक ऐसा लौंडा चाहिए होता है जिसको देख के लड़की को लगे कि ये मेरे से बहुत ऊपर है, मतलब ही इज़ वेरी सुपीरियर टू मी। क्योंकि आप मानो ना मानो, लड़कियों को एक्चुअल रिलेशनशिप में रहने का और सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन इसी चीज़ से आता है। मतलब एक लड़की को एक स्ट्रॉन्ग आदमी से ज़्यादा कोई भी चीज़ टर्न ऑन नहीं कर सकती। एक ऐसा आदमी जो उसे कुछ भी बोल सकता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की उसके बारे में क्या सोचे, जिस चीज से लड़की को ये भी समझ जाता है हाँ भाई इसके पीछे तो बहुत लड़कियां मरती होंगी, क्योंकि ना ये एटीट्यूड होते हैं कि जिससे लड़की को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसके पीछे बहुत लड़कियां हैं, इसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, तभी ना वो आपको सुपीरियर समझेगी। मुझे पता है लड़कियां इस चीज को भी बोलेंगी, अरे नहीं झूठ बोल रहा है, लेकिन यो ब्रो आई नो इट बेटर। और ठीक इसी तरह से आप मेरे दोस्त लड़की को अपने मैस्कुलिन फ्रेम से बिल्कुल एडिक्टेड रखते हो, बस आपको लड़की के सामने झुकना नहीं होता है या उसको अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना होता है। क्योंकि मैं फिर से यही चीज बोलूंगा कि हर लड़की जो एक समय पे आपके अंदर इंटरेस्ट दिखा रही थी, उसने या तो आपको इग्नोर करना या आपके साथ ब्रेकअप इसीलिए किया क्योंकि जब उसने आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया तब आप उसमें फेल हो गए, मतलब आप उसके अंदर झुक गए, बस वो भी बस इस डर से कि कहीं भाई लड़की छोड़ के ना चली जाए, और आपने लड़की को प्लीज करने के चक्कर में अपने अंदर का वो मैस्कुलिन फ्रेम, वो एक सिडक्टिव एज जो थी ना आपके अंदर,
जो एक सिडक्टिव, वो आपने बिल्कुल भस्म कर दी। लेकिन लड़की भी बेचारी मजबूर होती है, उनको ये सब करना पड़ता है भाई, नहीं तो उनको अपने सर्वाइवल, उनके इनर इंस्टिंक्ट है दोस्त ये। मतलब मैं सही बता रहा, मुझे आज भी याद है एक लड़की से, भाई साहब तुम्हारे भाई को बहुत प्यार हो गया था, ठीक है, मैं कर रहा था जिम, ठीक है, वो मेरे दोस्त की दोस्त थी, ठीक है, तो क्या हुआ, वो बहुत दूर रहती थी, तो ठीक है वो मेरे दोस्त से मिलने आई, तो मेरे दोस्त को मिली, तो उसने बोला सार्थक को फ़ोन कर। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, उस लड़की ने फ़ोन छीना, और उस लड़की ने बोला सार्थक तुम जिम में हो? मैंने बोला हाँ। उसने बोला मैं बहुत दूर से आई हूँ, इधर मुझे तुम चाहिए 10 मिनट में, अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। मैंने बोला मैं नहीं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भाई साहब पिघल गया और मैंने अपना वर्कआउट छोड़ के मैं उस लड़की के पास पहुँच गया। एंड इट वॉज एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट आई न्यू आई फक्ड अप, और उस लड़की के माइंड में मेरे लिए पूरा अट्रैक्शन खत्म। इसीलिए कभी अगर आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हो, उनके साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो अपने दोस्तों को छोड़ के कभी भी लड़की को इम्पोर्टेंस मत देना। लड़की रोती रहेगी, बोलती रहेगी, लेकिन ऐसा करना मत। मतलब मैंने भी ये गलती की है कि लड़की मुझे बुला रही है, बोलती है जाओ अपने दोस्तों से मिलो, मुझे लगता था वो ये चेक करने के लिए बोल रही है कि सार्थक मुझे प्यार करता है कि नहीं, मुझे कितना इंपॉर्टेंट समझता है, तो मैं बोल देता था अरे भाड़ में गए दोस्त, मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगा। भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम सबसे ज़्यादा गलती मैंने की है, क्योंकि ना ब्रो लड़कियों का प्यार एक्चुअली जीता ही अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ से जाता है, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी से, अपनी मेंटल क्लैरिटी से ही लड़कियों को इम्प्रेस किया जाता है। मतलब इम्प्रेस किया भी नहीं जाता है, लड़कियां खुद अट्रैक्ट हो जाती हैं ये चीजें आपके अंदर देख के। यहां तक कि लड़कियां खुद ऐसी एक्टिंग करेंगी कि भाई अब इस रिलेशनशिप की लगाम मेरे हाथ में है, अब मैं तुम्हें अचानक से कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन आपको फिर भी लगाम अपने हाथों से नहीं छोड़नी है, नहीं तो आप छूट गए। मतलब कभी कभार तो ये चीज इतना ज्यादा सबकॉन्शियसली करती हैं लड़कियां कि आपको बस बोल देंगी सार्थक मैं संडे को फ्री हूँ, संडे को मिलने आ जाना। भाई वहाँ भी अगर तुम चले गए ना लड़की के हिसाब से, ब्रो मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बट भाई वहाँ भी तुम्हारा अट्रैक्शन ना ये धीरे 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 ना ऐसी चीज़ों से कम होता है। और जब लड़कियाँ ये सब चीज़ें करेंगी, हर तरह से फेल हो जाएंगी, तो एक और स्टेप आ जाता है जहाँ पर लड़कियाँ तुम्हारे को ट्रिगर करने लगेंगी, तुम्हारे अंदर के जानबूझ के ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स, तुम्हारे बटन ढूंढ लेंगे जिससे तुम इमोशनली रिएक्ट कर दो। बस तुम्हारा ये मैस्कुलिन फ्रेम उन्हें तोड़ना है। इसीलिए लड़की अगर तुम्हारे साथ आर्ग्यू करे तो कभी भी आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि आर्ग्यू करते करते कई बार तुम बिल्कुल इलॉजिकल बातें करने लग सकते हो, जिस वजह से तुम एकदम से थोड़े से फेमिनिन फ्रेम में चले जाओगे, तुम्हारा एंगर ऊपर आ सकता है, जो कि एक इमोशन है जो लड़कियों को आपको नहीं शो करना। और आर्ग्यूमेंट जीतने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को वंस एंड फॉर ऑल बता देता हूँ, लड़की जब भी आपके ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए, उस इल्ज़ाम को लेना और उसको एग्जाजरेट कर देना, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, और ऐसे एक्ट करना जैसे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, लड़कियां ना आपकी बोलने की कम्युनिकेशन तक को चेक करती है भाई, कि आपका वर्बल गेम कितना स्ट्रांग है, क्या आप उस लड़की को चुप करा सकते हो, या क्या आप सिंपली उसे रॉन्ग प्रूव कर सकते हो। इसीलिए थोड़ी सी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो भाई, अपने दोस्तों भाइयों में बहस किया करो, बहुत काम आएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में सिखाया था, लड़की तुम्हें बोल देगी यार मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें अपना नंबर देना चाहिए, या लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं भी होगा तो भी वो अंदर से बोल देगी मेरा बॉयफ्रेंड है, और तुम्हें ऐसे में क्या बोलना है, वो खैर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। लेकिन इन्हीं चीज़ों को, यही टेस्ट तुम्हें पास करने होते हैं अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। तो मान लो लड़की के साथ डेट वेट पे जा रहे हो, लड़की प्लान चेंज करने की कोशिश करे, तो हमेशा ना बोल देना, बोलना नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोग जहाँ जा रहे थे वहीं जाएंगे। और मैं सही बता रहा हूँ, तुम जितने ज़्यादा मैस्कुलिन होगे, तुम जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे, लड़की तुम्हें उतना कूटेगी, तुम्हारे लिए ये टेस्ट और ज़्यादा मुश्किल होते चले जाएंगे समय के साथ। क्योंकि मानो या ना मानो, जैसे मैंने पहले बोला था, लड़कियों को ना तुम्हारे सामने ना थोड़ा सा छोटा महसूस करना, थोड़ा फेमिनिन फील करना, एक लड़की की तरह महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो तुमसे अट्रैक्टेड रह सके। लेकिन ज़्यादातर लड़के यही करते हैं कि समय के साथ लड़की के सामने बिल्कुल पिघल जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, यस मैम, यही सब बकचोदी करने लगते हैं, फिर तो भाई तुम्हारा फेल होना तय है। और भाई देखो, आपके शब्दों में ना लड़की को ऑफेंड करने के लिए आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। देखो क्योंकि होता क्या है ना, रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेटिंग मार्केट में। मतलब द हायर द रिस्क, उतनी बेटर लड़की आपको मिल सकती है, उतनी अट्रैक्टिव लड़की आपको मिल सकती है। और साथ ही साथ जब लड़की आपकी यही रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखती है ना मेरे दोस्त, तो लड़की आपसे अट्रैक्ट होती ही होती है।
जब आप अपने माइंड में लड़की का आमना सामना करने की एक हिम्मत रखते हो, बिलीव मी ब्रो, गर्ल्स गेट हैवीली टर्नड ऑन बाय यू। देखो ये सारी चीजें ना बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला जो सिनेरियो होता है ना भाई, बीस्ट यू नो, बिल्कुल पावरफुल, डेंजरस, और लड़की उसके सामने इतनी छोटी, यू नो, डेलिकेट, सेंसिटिव, ये जो फील होता है ना ब्रो, एक बहुत रियल डायनेमिक है ये चीज़। मतलब लड़कियों को चाहिए कि वो एक ऐसे लड़के के साथ हो जिसके सामने उन लड़कियों को ऐसा फील होता है कि वो किसी जायंट के साथ हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है लड़कियां हमेशा अपने से बेटर लड़कों को ही डेट करती हैं, उन्हें इक्वल नहीं चाहिए, और नीचे की तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए बस वो चीज आपको अभी आपका बिहेवियर दिला सकती है, पैसा नहीं। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे लड़की का अटेंशन मिलने लगता है कंटिन्यूस बेसिस पे, और जब आप समय के साथ लड़की के साथ ना फिजिकल होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तब जब आप लड़की के अटेंशन या फिजिकली उससे एडिक्टेड हो जाते हैं ना मेरे दोस्त, तब आपके टेस्ट जरूर होते हैं। और सही में आपको नहीं पता चलेगा कि कब अचानक से एक स्मूथ रिलेशनशिप, यू नो, बिल्कुल बढ़िया दोस्ती भाईचारा सब चल रहा था, अचानक से लड़की के माइंड में आपके लिए पूरा अट्रैक्शन खत्म, अब उसको आने लगी है आपसे घिन। इसीलिए कभी भी लड़की के सामने अपनी रिस्पेक्ट मत गिराओ। अगर लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है तो उसको अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, खुद भी पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम जितना समय लड़की के अंदर इन्वेस्ट करोगे, जितना इंपॉर्टेंट उसे बनाओगे, लड़की तुम्हारी वैल्यू को उतना ही ज्यादा क्वेश्चन करेगी, और जितना टाइम तुम स्पेंड करोगे उसके साथ उतना ही लड़की को अंदाजा आएगा कि तुम्हारे माइंड में उस लड़की की क्या वैल्यू है, वो कहां स्टैंड करती है, और जिसकी वजह से लड़की को तुम्हारी मार्केट सेक्सुअल वैल्यू का आइडिया लग जाता है कि तुम कहां खड़े होते हो। और एक बार लड़की को इस चीज का आइडिया हो गया, और तब जब तुम उस लड़की के पीछे पड़े हो मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए लड़की के माइंड में अट्रैक्शन खत्म। इसीलिए जब भी लड़की इग्नोर विग्नोर करे तो हमेशा पीछे हट जाओ, क्योंकि जितना लड़की तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लड़की उतना ही तुमसे सेंसिटिव बनेगी, उतना ही तुम्हें डिजायर करेगी जितना वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसीलिए कंट्रोल मत हो। इसीलिए मान लो जैसे तुम लड़की के साथ कभी एक बहुत अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हो, यू नो, कभी कभार मान लेते चलो किस भी हो गए, या मान लो फिजिकल भी हो गए पूरी तरह से, तब भी सबसे पहले तुम्हें ही पीछे डोर खींचनी है, उसके बाद कडल वडल मत करो। हाँ मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ, सुनने में बहुत रूड है, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना। लड़की को समझ में आ जाना चाहिए कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में है। इसी से लड़की को समझ में आता है कि तुम डोमिनेंट और स्ट्रांग हो। तुम्हें ये फ्रेम सेट करना आना चाहिए कि तुम्हें लड़की चाहिए लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि याद रखना, जिन लड़कों को उस लड़की की बिल्कुल जरूरत नहीं होती ना, सबसे ज्यादा वो लड़की उसी को डिजायर करती है। मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम देख लो लड़की कितनी ज्यादा अपने सेलिब्रिटी क्रशेस की कितनी बड़ी बड़ी फैन होती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन लड़कों को, उन सेलिब्रिटीज को पता भी नहीं है कि ये लड़कियां एग्जिस्ट भी करती हैं, और ये लड़कियां पूरा टाइम उनके बारे में फैंटेसाइज करती रहती हैं। अब सुनो, बहुत टाइम हो गया है इसीलिए मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूँ कि लड़कियाँ तुम्हें एक्चुअली इग्नोर करना क्यों शुरू करती हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि तुम मेरे दोस्त लड़की के लिए बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। लड़की को पता है वो मैसेज करेगी तुम मैसेज करोगे, लड़की को पता है कि तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो, लड़की जब बुलाएगी तुम तब मिलने चले जाओगे, उसको पता है तुम इसका जवाब ये दोगे, ये करेगी तो तुम ये करोगे। तो ये जो एक सर्टेनिटी बिल्ड हो जाती है ना कि लड़की को हर चीज़ का अंदाजा है, ये चीज़ की वजह से लड़की तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि तुम उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। और हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मैस्कुलिन बनने के लिए बोलता हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं होता कि तुम बिल्कुल ही रोबोट और मशीन की तरह ऑपरेट करो दोस्त। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अपने ह्यूमर पे भी काम करो, क्योंकि देखो जब तुम इतना एक स्ट्रांग फ्रेम कैरी करते हो और तुम अचानक से एक जोक क्रैक कर देते हो या सही टाइम पे सही चीज बोल देते हो, तब बता रहा हूँ भाई लड़की बिल्कुल पागल हो जाती है। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता था, प्रिंसिपल से सबकी गाल फटती है, प्रिंसिपल एकदम सीरियस रहता है, लेकिन कभी अचानक से जोक मार दे तो हम लोग को प्रिंसिपल सर या मैम इतनी अच्छी लगने लगती थी कि भाई साहब क्या ही बात है। तो ये सेम चीज की आपकी एक और साइड है, तो अपने अंदर ना थोड़ा सा एक ह्यूमर ऐड करो, बिल्कुल रोबोटिक मत बन जाओ, लेकिन मैस्कुलिन हमेशा बहुत ज्यादा रहो। ये चीज भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज तुम्हें और ज्यादा डायनेमिक्स और एक अनसर्टेनिटी डालेगी तुम्हारी पर्सनालिटी में। क्योंकि देखो जैसे तुम एक बहुत सुंदर सेक्सी लड़की को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो ना, ठीक इसी तरह से लड़कियां कभी भी मैस्कुलिन लड़कों को इग्नोर नहीं कर सकती। 100 बात की 1 बात, बस तुम्हारा जो नॉन सेक्सुअल अटेंशन है, मतलब जो तुम्हारा केयर, जो तुम थोड़ा बहुत अफेक्शन दिखाते हो, उसकी वैल्यू लड़की के माइंड में तभी इतनी हाई होगी जब तुम बहुत ज्यादा पर्पस ड्रिवन होगे। तो इसीलिए मान लो जैसे तुम कभी कोई ऐसा समय जिस समय तुम काम करते होने चाहिए, तब अगर लड़की तुम्हें कॉल या मैसेज कर दे, तब तुम चाह के भी वो फोन नहीं उठा सकते मेरे दोस्त, तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा, लिसन आई एम वर्किंग, आई कॉल यू इन सम टाइम, और ठीक उसी समय नहीं, वो भी 2 घंटे बाद ये चीज तुम्हें कॉल करके बोलिए, आई कॉल यू एट दिस टाइम, आई एम वर्किंग राइट नाउ, अभी मुझे परेशान मत करो।
क्योंकि याद रखना तभी लड़की तुम्हारे टाइम के बदले, तुम्हारे नॉन सेक्सुअल अटेंशन के बदले तुम्हें अफेक्शन दिखाती है, तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे साथ तभी वो चीज़ें करना चाहेगी। अब ये सब चीज़ें मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो बहुत सारे अडल्ट्स मेरे वीडियोस देखते हैं, तो ये अट्रैक्शन ट्रिगर्स उनके रिलेशनशिप और उनकी मैरिज लाइफ में होने चाहिए, इसीलिए मुझे थोड़ा और एक्सप्लिसिट बनाना पड़ता है। इसीलिए अगर तुम बिलो 18 हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सेक्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, जब मैं बोलता हूँ लड़की को इग्नोर करो, इसका मतलब ध्यान रखना भाई, एक होता है भाई खाली आदमी जो लड़की को इग्नोर करेगा, तो लड़की को पता है ये इग्नोर इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये इग्नोर गेम खेलने के लिए कर रहा है। एक होता है भाई लड़की को पता है पर्पस ड्रिवन हार्ड वर्किंग मैन है, और जब वो हार्ड वर्किंग मैन उस लड़की को इग्नोर करता है अपने काम के लिए, तब एक एक्चुअल अट्रैक्शन क्रिएट होता है। जब आप फेक इग्नोर करते हो एक अट्रैक्शन बनता है सरफेस लेवल का, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है बहुत टाइम तक। बस मैं तुम्हें एक चीज बिल्कुल सही बता रहा हूं, अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट करे तो लड़की को ये चीज फील कराओ कि उसकी खूबसूरती का तुम्हारे ऊपर जीरो प्रभाव है, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां खुद चाहती हैं कि जिंदगी में कभी कोई उन्हें उनकी खूबसूरती से अलग करके उन्हें इंसान की तरह देखे। और हाँ भाई, लड़कियों को नो बोलना बहुत जरूरी है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स मैं बार बार दोहराता हूँ। नए भाई जुड़ते हैं उन लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर तुम नो नहीं बोलोगे तो तुम लड़की को सुपीरियर नहीं लगोगे। तुम में से आधे से ज़्यादा लड़के इसीलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो लोग लड़कियों को एक्चुअली इंसान समझते ही नहीं है। वो लोग समझते हैं अरे भाई लड़की मतलब तो अरे 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 अरे, जिसकी वजह से सिर्फ लड़की से अटेंशन मिलना ना बंद हो जाए, बस इस डर से लड़कियों से दूर होने में भी डरते हैं और बिल्कुल कमजोर नजर आते हैं। और तुम में से जिन लड़कों को लगता है ना कि लड़कियों के आने से मेरी पूरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी, मेरे भाई एक चीज बिल्कुल साफ साफ समझ लो कि लड़की और सेक्स कभी भी तुम्हारे अंदर का जो खालीपन तुम सोचते हो ना इनसे भर जाएगा, वो कभी नहीं भरेगा। वो चीज केवल तब भरेगी जब तुम एक एक्चुअल पर्पस वाली लाइफ जियोगे, एक सिग्निफिकेंस होगा तुम्हारी लाइफ में। बस लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा नाइसली मत बिहेव करो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नाइस गाइज अब लड़कियों को ना फेक लगने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई की वजह से ना लड़कियों को तुम्हारी एक्चुअल इमोशनल स्ट्रेंथ का कभी भी अंदाजा नहीं होता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ एक्चुअली कितनी है, जिस वजह से वो तुम्हें कभी भी तुम पे रिलाई कर ही नहीं पाती। बस लड़की को खोने के डर से तुम अपना एक्चुअल सेक्सुअल इंटरेस्ट उसके अंदर कभी नहीं दिखाओगे, तो लड़की के माइंड में भी तुम्हें भी ना वो कभी भी अपने लिए एक सेक्सुअल ऑप्शन की तरह नहीं देखेगी, इसीलिए तुम फ्रेंड जोन होते हो। तो ब्रो ये चीज को एक्सपेक्ट करना बंद करो कि मैं जैसा हूं लड़की मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे, दोस्त ऐसा नहीं होता है, तुम्हें अपना बिहेवियर इंप्रूव करना ही पड़ेगा। तुम्हारे जैसा एक अच्छा आदमी जो सुंदर से सुंदर लड़की डिजर्व करता है, वो क्यों ये बैड बॉयज ले जाते हैं दोस्त, बिकॉज ये लोग एक्चुअली लड़की की बहुत ज्यादा यू नो केयर नहीं करते हैं, क्या सोच रही है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। तो ये जो उनके अंदर का एटीट्यूड होता है ना, यही एटीट्यूड लड़कियों के अंदर का ना वो सबकॉन्शियस वो एनिमलिस्टिक अट्रैक्शन क्रिएट करता है, जो इन लड़कों को लड़कियों के सामने बहुत ज्यादा सिडक्टिव लगता है, और वो लड़कियां इन चूतियों के लिए अट्रैक्ट होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम जो अच्छी लड़की डिजर्व करते हो वो कोई और बेवकूफ लड़का ले जाए, मतलब जिसके पास कोई पर्पस भी ना हो। मैं चाहता हूँ वो लड़की तुम डिजर्व करो, तुम्हें वो लड़की मिले, इसीलिए ये चीजें का ध्यान रखो। लड़की तुम्हें ऐसे ही टेस्ट करेंगी, और अगर तुम्हें अनजान लड़कियों से बात करनी नहीं आती है तो तुम इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। और अगर तुम्हें ये जानना है कि बैड बॉय कैसे बनना है, मैस्कुलिन मैन कैसे बनना है, तो इस वीडियो के बाद ये वाला वीडियो देख लेना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो मेरा एक और चैनल है आज सार्थक गोयल, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।